तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस किताब के बारे में जिसका नाम है डू एपिक शिट। यार ये एक ऐसी किताब है मैं बिल्कुल ही नहीं पढ़ना चाहता था। मतलब मेरे को ना पिछले एक साल में 5, 10, 15 पता नहीं कितने लोगों ने कहा यार शिवांशी किताब पढ़ लो, एंड आई वाज लाइक नहीं यार ये तो नहीं पढ़ना। क्यों? क्योंकि मेन स्ट्रीम हो चुका है, हर जगह दिख रही है, हर कोई बात कर रहा है, और जब कोई चीज़ मेन स्ट्रीम होती है ना वो मासेस के लिए बनती है। और मैं इतना कंटेंट जिंदगी में कंज्यूम कर चुका हूँ दैट आई वाज लाइक कि नहीं यार अब मेरे को मासेस वाली चीज़ तो नहीं पढ़नी है, आई लुक फॉर सम स्पेसिफिक नॉलेजेस, राइट। बट अब हुआ क्या, मेरे पास एक नहीं, दो भी नहीं, 3 किताबें इकट्ठा हो गई, तो पलट के देख ही लेते हैं ना हो क्या रहा है। और ऑफ कोर्स हर बुक परफेक्ट भी नहीं होती, तो इस बुक में क्या सही है क्या बेकार है, किसको पढ़नी चाहिए, किसके लिए है, और बुक का स्ट्रक्चर कैसा है, वो सारी बात मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट थिंग। इस किताब में ना 6 सेक्शंस बने हुए हैं। वो 6 सेक्शंस ऐसे हैं जिसके बारे में हर कोई बात करना चाहता है, जिसके बारे में हर कोई कुछ सीखना चाहता है। द फर्स्ट सेक्शन इज सक्सेस एंड फेलियर्स, द सेकेंड सेक्शन इज हैबिट्स, थर्ड इज अवेयरनेस, फोर्थ इज एंटरप्रेन्योरशिप, फिफ्थ इज मनी, सिक्स्थ इज रिलेशनशिप्स। ये 6 सेक्शन में पूरी बुक डिवाइडेड है, और लास्ट में है कुछ लेटर्स, वेरी इमोशनल लेटर्स, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ना पैसे के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इंसान को बाकी सब चीज़ें पता नहीं कितनी इंपॉर्टेंट होती, बट मोस्टली पैसा बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो इस बुक में ना मनी का चैप्टर बहुत ही अलग तरीके से डिफाइंड है। मनी के चैप्टर में ना 3 चीज़ों पर अंकुर वारिको ने बात करी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ही टॉक्ड अबाउट मिस्टेक्स ही हैज़ मेड विद मनी। तो इंसान अपनी वल्नरेबिलिटी दिखा रहा है, आपको बता रहा है कि उसने क्या क्या गलती करी, ठीक है, और आप काफ़ी वो मिस्टेक्स ऐसी आप रिलेट कर पाओगे। दूसरी चीज़ ही इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि कॉमन मिस्टेक्स लोग क्या करते हैं, कि ही हैज़ लिव्ड अ डिफरेंट लाइफ, ही माइट हैव मेड सम वेरी स्पेसिफिक मिस्टेक्स, बट जनरली लोग कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं। आई एम श्योर कॉमन मिस्टेक्स तो अगर तुम पढ़ोगे 10 में से 6 मिस्टेक्स तो हर कोई कर ही रहा होता है ऑन अ यूजुअल लेवल। तीसरी चीज़ इज़ ऑल्सो टॉक्ड अबाउट लाइज अबाउट मनी, क्योंकि दुनिया ना पैसे को बहुत गलत तरीके से दिखाती है। जैसे सबसे कोर एग्जाम्पल है कि मनी इज़ द ईविल रूट ऑफ एवरीथिंग, ठीक है, दैट इज़ अ वेरी बिग लाई। तो ऐसे 10 चीज़ें जो बिल्कुल ही गलत है, जो तुमने आज तक सीखी होंगी सुनी होंगी, वो इसके बारे में बात करिए। और इस चैप्टर में ना कुछ बहुत ही प्यारी लाइंस हैं, जैसे देयर वाज दिस वन थिंग वेर ही मेंशन्ड टेक लोन्स ओनली फॉर थिंग्स दैट एप्रिशिएट इन वैल्यू। मतलब दुनिया बस कह देती है लोन लेना गलत है या लोन लेना चाहिए, बट ये बहुत कोर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप डेप्रिशिएटिंग एसेट्स के लिए ले रहे हो या एप्रिशिएटिंग एसेट्स के लिए ले रहे हो। या फिर लेट्स से दूसरी चीज़ कि डबल डाउन ऑन व्हाट इज़ वर्किंग। दुनिया बस ना ये कहती है डाइवर्सिफाई करो डाइवर्सिफाई करो, अबे क्यों? कुछ चीज़ मेरे लिए चल रही है तो मैं अननेसेसरी डाइवर्सिफाई करने के पीछे क्यों भागूंगा, एटलीस्ट आई डबल डाउन ऑन व्हाट इज वर्किंग फॉर मी। तो ऐसे ना बहुत सारे कॉमन मिसकंसेप्शंस भी हैं जो लोग करते हैं, वो सब कुछ इस बुक में कवर्ड है, इस चैप्टर में कवर्ड है। टॉकिंग अबाउट द 10 थिंग्स दैट आई लव्ड इन द रेस्ट ऑफ द 5 चैप्टर्स, द एब्सोल्यूट बेस्ट थिंग्स। 5 चीज़ें मैंने नीचे कॉमेंट सेक्शन में डाल रखी हैं और 5 चीज़ें मैं यहाँ बताने वाला हूँ ताकि वीडियो की लेंथ छोटी हो। तो एक एक करके उनके बारे में बात करते हैं, 5 चैप्टर्स में से एक बात बताऊंगा मैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट थिंग। तो सक्सेस वाले चैप्टर में एक चीज़ है वेयर ही इज मेंशन्ड वी वर ऑल बोर्न विद द इनेट ability to ask questions endlessly and then school and parents kill it। तुम समझ रहे हो जो बात हम हमेशा करते भी हैं कि यार हम लोग ना पैदा ही ऐसे हुए हैं, बचपन में क्या हर चीज़ को लेके सवाल था, ये तक सवाल था कि यार सूरज सुबह क्यों आ रहा है, चांद रात को क्यों आ रहा है, we used to question every goddamn thing। फिर वो curiosity ना मार दी गई, पेरेंट्स टीचर सबसे मिलके, क्योंकि लोगों के पास जवाब नहीं होते ना, तो लोगों को बेस्ट आंसर ये लगता है कि सवाल ही मत पूछो। और इतना दुनिया ने मन में डाल दिया कि वो क्यूरियोसिटी किल करते जा रहे हैं, तो वो मत होने दो। दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सक्सेस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। In the habits chapter, he's talked about if you follow the right set of people on social media, opportunities will come by design, not by luck। मतलब क्या है इसका? यार हम हमेशा बात करते हैं ना एवरेज ऑफ 5 पीपल। मुद्दा यहाँ पे वैसा सही है कि अगर तुम सही लोगों को फॉलो करते हो जब सोशल मीडिया पे और बार बार कंज्यूम करते हो उनका कंटेंट, उनके आसपास उनकी कम्युनिटीज़ में रहते हो, तो जब अपॉर्चुनिटीज़ हमारे आगे आती है ना, बाकी दुनिया को लगता है ये तो लक से आ गया। लक से कुछ नहीं आ रहा है दोस्त, ये डिज़ाइन था। यू मेड अ कॉन्शियस एफर्ट टू बी अराउंड द राइट सेट ऑफ पीपल, टू कंज्यूम द राइट सेट ऑफ कॉन्टेंट, टू गेट टू द राइट सेट ऑफ माइंड सेट। ये हो रहा था तुम्हारे साथ, तो ये एक हैबिट्स का हिस्सा है। नाउ टॉकिंग अबाउट अवेयरनेस, इफ़ यू आर नॉट हैविंग फन वाइल डूइंग इट पीपल विल सी थ्रू इट। यार फेक इट टिल यू मेक इट, वो सारी चीज़ें ठीक हैं, बट अगर मैं जब ऐसा काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा मन नहीं लग रहा, यार वो अंदर से निकल के आएगा। मैं ना फेंकने से एक लिमिट तक ही दिखा सकता हूँ, मैं पूरे दिन ऑफिस में हर मिनट वो खुशी नहीं दिखा सकता। और जो इंसान खुश होता है ना अपने काम में, उससे एक अलग वाइब आती है, वो इंसान सीखता भी ज़्यादा, वो इंसान ग्रो भी ज़्यादा करता है। तो वॉट दिस सिंपली मीन्स इज यू आर फिगर आउट वॉट इज़ दैट थिंग दैट यू लव एंड यू नीड टू वर्क इन दैट एरिया, राइट। अपने काम को ही अपना प्यार बनाना पड़ेगा। वन थिंग फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर दैट आई वांट टू शेयर इज इफ आई कांट ट्रस्ट यू इट डजंट मैटर हाउ स्मार्ट यू आर। सारा गेम ट्रस्ट का है दोस्त। अगर तुम ट्रस्ट ही नहीं कर सकते, तुम कितने भी स्मार्ट हो, तुम एलॉन मस्क हो, बट अगर मैं भरोसा नहीं कर सकता तो दोस्त हम काम कर ही नहीं सकते। आई लेजिट वुड नॉट गिव 2 फक्स अबाउट यू। because I cannot trust you. And now moving on to the relationship bit. Your parents are first humans, then parents. हम ना ये बहुत बार भूल जाते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे वो मेंटोर्स हो, हम ना हमें लगता है कि यार ये इंसान तो कभी गलत कर ही नहीं सकता। देख दोस्त, पेरेंट्स भी ह्यूमन ही है ना, वो भी गलती कर सकते हैं, वो भी सीख रहे हैं, वो भी अनरीजनेबल हो सकते हैं, वो भी टॉक्सिक हो सकते हैं। तो कभी भी ये मत सोचो कि अगर उन्होंने छोटी सी गलती करी तो वो ये कैसे कर सकते हैं, वो भी इंसान है यार। गिव देम दैट बेनिफिट ऑफ डाउट एंड अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, राइट? सो दीज आर दी 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आई लाइक्ड अबाउट दिस बुक। और जो इसका लास्ट सेक्शन है ना रिलेशनशिप्स के ऊपर, वो एक अपने आप में बहुत अनोखा सेक्शन है, बिकॉज ही हैज टॉक्ड अबाउट सम वेरी डीप स्टफ। लाइक आई विल रीड समथिंग फॉर यू दैट वॉज रियली, मतलब इट टच माई हार्ट। आई एम नॉट समवन जो बहुत इमोशनल होता है या कुछ होता है, यू सीन माई वीडियोज़, बट दिस वॉज समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। सो ही राइट्स अ लेटर टू अपने जो बच्चे हैं अंकुर वारिको के, ही इज़ रिटन सम लेटर्स टू देम, जो वो बातें नहीं बोल पाए उन्हें। तो उसमें एक लेटर है उनकी बेटी के लिए, वेर इन ही सेज आई डिडंट थिंक वी नीडेड यू, दैट्स दी ओपनिंग ऑफ द लेटर। जस्ट इमेजिन इस चीज़ को एडमिट करना या इस चीज़ को बोलना कि यार हमें शायद पता ही नहीं था हमें तुम्हारी ज़रूरत है बिकॉज ऑफ एक्स वाई जेड थिंग्स। तो he's talked about some very emotional letters. मैं इन पर ज़्यादा नहीं जाऊँगा because I would want you to read them and see for yourself if you want to read them or not, whatever it is. But ये एक basic structure है इस किताब का, और ये कुछ 5 सबसे important चीज़ें थी जो हमें लगी। And जिसमें जैसा उसमें बीच में जो बात करी creators की, guys if you already do not follow us और अंकुर वारिको, make sure you do that if you find enough value, because opportunities would keep coming to you by design, not by luck if you do that. So like, share, subscribe to this already if you haven't. मूविंग फॉरवर्ड, किसको पढ़नी चाहिए, क्यों पढ़नी चाहिए, इस सब के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं किसको पढ़नी चाहिए, 2 तरीके के लोग हैं यार। अगर तुमने आज तक कोई किताब नहीं पढ़ी है या फिर तुम्हें लगता है कि यार किताबें मेरे को पढ़नी नहीं आती है। देख दोस्त, किताब पढ़ना अच्छा इसलिए नहीं लगता क्योंकि सही किताब नहीं पढ़ते हैं हम ऐसी किताबें पढ़ेंगे जो बोरिंग है तो ऑफकोर्स मन लग ही नहीं सकता ना। दिस इज़ वन ऑफ दोज बुक्स जिसको तुम एक्चुअली में स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि इस किताब में क्या है, तुम्हें सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने कहा, तुम शायद सिर्फ मनी वाला चैप्टर भी उठा सकते हो, या अगर तुम्हें लगता है रिलेशनशिप्स तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर उठा सकते हो और उसका कोई भी पेज खोल सकते हो। देर इज़ नो स्टोरी लाइन, देर इज़ ओनली डायरेक्ट टू पॉइंट ऐसी चीज़ है जिसको तुम रिलेट कर पाओगे कि अच्छा मेरे साथ भी ये होता है, या मैंने भी ये सुना है, अच्छा इसका ये नया एक थॉट है चीज़ को सोचने का, ये चीज़ तुम्हें मिलेगा, ठीक है। और अगर तुम इन चीज़ों को इंडिपेंडेंटली सीखने जाओगे, तुम्हें शायद 100-200 जगहों पे जाना पड़ेगा, अलग अलग किताबें अलग अलग वीडियोस कंज्यूम करनी पड़ेगी ये सारा ज्ञान इकट्ठा करने के लिए। दूसरी चीज़, दूसरे लोग ऐसे हैं मेरे जैसे शायद, जिन लोगों को लगेगा कि यार कुछ नया नहीं सीख रहे हैं हम, कि हमने बहुत कंटेंट कंज्यूम कर लिया, एंड दैट्स फाइन। बट अगेन, गेटिंग एवरीथिंग एट वन प्लेस इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग। ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए हमें बहुत जगह दोबारा ढूंढना पड़ेगा। सो दिस वॉज लाइक, मेरे को ना मतलब एक जगह पे दोबारा सब कुछ, एक कॉलेज का रिफ्रेशर होता है ना, जैसे एक रिफ्रेशर मिल गया कि अरे ये भी पढ़ रखा था, अच्छा ये भी भूल गया था, अरे ये भी कितना इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाट आई फेल्ट वाइल रीडिंग दिस बुक, राइट? तो डेफिनेटली आई थिंक दोनों कैटेगरीज के लोग इसको देख सकते हैं, तो कोई एज लिमिट है ही नहीं, हर एक इंसान इसको पढ़ सकता है। टॉकिंग अबाउट वाई यू शुड रीड इट, यार जनरली जब लोग लिखते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा जार्गन्स यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जो जिसकी वजह से ना पढ़ने में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। ये किताब ऐसी है जो बहुत सिंपल शब्दों में एक इंडियन ऑथर ने एक इंडियन ऑडियंस को समझ के लिखी है। कुछ भी अंट शंट, कुछ भी अनाप शनाप नहीं है, डायरेक्ट टू द पॉइंट, राइट? तो इसलिए ये किताब आई वुड ट्रूली सजेस्ट। और जैसा मैंने कहा ना कि कहीं से भी खोल सकते हो, आपको कभी भी ऐसा लगेगा नहीं कि यार ये कम पढ़ दिया, ज़्यादा पढ़ लिया, ये नैरेटिव चल रहा है, नहीं, कोई बात नहीं भाई, अपने को जो सही लगता है उसको उठाओ और पढ़ लो, राइट? दैट्स हाउ इट इज़। अब गलतियाँ क्या क्या है इस किताब में, कि शिवांश कुछ तो होगा ना, परफेक्ट बुक क्यों नहीं होती, पढ़नी क्यों नहीं चाहिए? तो देखो, बहुत लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि यार ये सारी चीज़ें वही है जो अंकुर वारिको ऑलरेडी कॉन्टेंट जिन पे बना चुका है, सोशल मीडियाज़ पे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सब वीडियोज़ देख चुके हैं, सब कुछ है। देखो दोस्तों, वो सही है, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि वो अंकुर वारिको ने खुद लिखा है पहले पेज में कि भाई ये सिर्फ वही है जो मैंने आज तक कंटेंट क्रिएट किया है, सबको मैंने कंपाइल कर दिया है। पर दोस्त, आज सोच के देख, पहली चीज़ 300 पेज की बुक है, आई एम डेड श्योर कम से कम इसमें 50 पेज ऐसे होंगे जो तुमने नहीं देखे होंगे, नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि इतना रिलीजियसली बहुत ही रेयर लोग फॉलो करते होंगे कि एक एक चीज़ देख रखी है। दूसरी चीज़, अगर देख भी रखी है, क्या हमें सब कुछ याद है? अगर सब कुछ याद भी है, अगर मेरे को उसको रिविजिट करना है कभी दोबारा, तो मैं जाके एक एक वीडियो बार बार नहीं देख सकता ना, दैट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। बट गेटिंग एक्सेस टू दिस इज़ वेरी ईजी। तो दोस्त, आई थिंक अमेजोन पे 150 रुपये का प्राइस है, तो 150 रुपये की किताब में अगर इतनी वैल्यू तुम्हें मिल जाती है, मैं कह रहा हूँ 2 पेज भी तुम्हारे काम के निकल आते हैं तो वैल्यू वर्थ इट है। बट अगर इतने कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आई थिंक दिस इज़ डेफिनेटली रिकमेंडेड फॉर एवरी वन टू एटलीस्ट हैव दिस बुक एंड फ्लिप थ्रू दीज पेजेस इफ नथिंग एल्स। और दिस कुड ट्रूली बी द फर्स्ट बुक दैट एवरी वन रीड्स फॉर द फर्स्ट टाइम, जिसको पढ़ने की आदत नहीं है।